This is Abhishek, and you're watching our YouTube channel, which is Business and You. So, to answer all those questions, we have invited today Mr. Tanishk Ambegaonkar, who is the founder and CEO of Skyber. Right, he is running a very energetic team. I've been in touch with Tanishk from last few months. So after evaluating, you know, near about say 20 to 25 founders and their profile, we have selected today Tanishk, right, to talk about bootstrapping. Because when you business start, karte hai, right, money is the most important constraint which comes in between, right? You start with your friends, aap apne friends ke saath start karte hai, your family ke saath start karte hai. But obviously, at one point of time, we all need money to go further. तो आज हम सुनेंगे तनिष्क से ही कि कैसे उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया. वेलकम तनिष्क, वेलकम ऑन बोर्ड ऑफ बिजनेस एंड यू, एंड दिस इज द सिक्स्थ एपिसोड ऑफ वॉइस ऑफ फाउंडर्स, राइट? Thanks, Abhishek. Thanks for speaking so highly of me. But thank you so much for inviting me here. I mean, of course, we have been connected. हम बहुत समय से, you know, we have been connected into the ecosystem, right? कोई भी ecosystem में आ जाता है, you know, you start getting to know the right people, of course. And it's been a hell of a journey for us as well to get to from where we started. I think you have seen, right, from where we started to, you know, what we achieved till now, and you know, even further. I mean, of course, we'll stay connected. So, I mean, thank you so much for having me. Happy to answer all the questions, all the queries, anything you'd want to put across to me today. Great. So, Tanishk, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो हमारा वॉइस ऑफ फाउंडर्स का रूट है, लाइक योर बैकग्राउंड. हम फाउंडर्स से जानना चाहते हैं क्योंकि लाइक इंडिया इज नॉट दैट वेल ऑफ कंट्री, यू नो. बहुत सारे इंडिया में मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, और वहां पे जो बच्चे होते हैं, जो फाउंडर्स होते हैं, उनके कुछ ड्रीम्स होते हैं. बट ऑब्वियसली हर्डल्स आते ही हैं क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं होता है वो, और पैसा इतना नहीं होता है कि अपना खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सके. तो आपके साथ भी क्या कुछ ऐसा था, very honest, right? I think it was built within. I'll tell you a very simple story, right? My first time of, पहले तो पता नहीं होता था यार, ये entrepreneur वगैरह ना, कोई शब्द तो any which ways पता नहीं होता था. In my school once, you know, तभी तो इकोसिस्टम भी नहीं था, तब कुछ भी नहीं था, राइट? तब एक बार कोई तो भी ऐसे कॉन्फ्रेंस हुआ, कोई आया और लोगों को पूछा, यार व्हाट डू यू वांट टू बिकम, राइट? एंड लोग बोलते थे मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है. आई वॉज द ओनली गाय इन माई स्कूल हु स्टूड अप एंड वॉज लाइक, मुझे ना एंटरप्रेन्योर बनना है. क्योंकि मैंने कहीं तो पढ़ के ये टेप दिया एंड मुझे लगा यार ये बिजनेस ही करना है मुझे. सो आई वॉज प्रोबेबली अराउंड 9 or 10 ईयर्स ओल्ड देन, एंड दैट वॉज माई फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि यार नहीं, मेरे को ना जो भी चीज देखा है मैं शायद ऐसा ही बनाऊं, और दैट्स हाउ यू नो इट स्टार्टेड. एंड ऑल्सो वन एडिशनल थिंग, राइट, इट स्टार्टेड विद अ वेरी, माई फर्स्ट जर्नी ऑफ बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर वॉज वेन आई वॉज प्रोबेबली 9 or 10 ईयर्स ओल्ड, वेर इन हमारा ना एक छोटा सा शॉप था, केक शॉप था, राइट? कोई फेयर में हमने एक केक शॉप लगाई थी. वहां पे हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स थे, तो वो जो कुछ प्रोडक्ट्स थे ना, वो कुछ 10 केक्स थे, 80 रुपए का एक केक होगा. 3 दिन हो गए फेयर में, बाकी सारे प्रोडक्ट्स बिक रहे, वो 10 केक नहीं बिके थे, राइट? मैं बोल रहा हूँ यार मैं बैठे बैठे खा रहा हूँ, चलो कुछ कर ही लेता हूँ. मैं सुबह समझो ना 10 बजे से लेके रात के 8 बजे तक, 10 साल का बच्चा, घूमा हुआ, आई बेग्ड, आई प्लीड, आई हैव रिक्वेस्टेड पीपल, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं वो 800 रुपए लेके आके मैंने जब मेरे पेरेंट्स को दिया था कि यार ये देखो मैंने बेच के लाया हूँ, दैट्स व्हेन आई थॉट कि यार नहीं, दिस इज बिल्ट विद इन मी एंड आई शुड परस्यू दिस. सो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड, टू बी ऑनेस्ट. राइट, वेरी ट्रू. लाइक अ स्पिरिट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर एक्चुअली बिकम्स यू नो मोर हायर व्हेन यू हैव दैट एबिलिटी टू सेल समथिंग. लाइक बीइंग अ, मैंने भी अपना करियर जो स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड एज अ सेल्स पर्सन इटसेल्फ, एंड जब we have that winning spirit, when you sell something you have that winning spirit in you,
which actually drive you to know do something more. तो कुछ ज्यादा करने की इच्छा शक्ति जो होती है वो वहीं से आती है. So how was your college days like? What kind of person you were and how your friend looked at you? Because बहुत सारे हमारे friends होते हैं, there उनका motive ही यही होता है कि job करना है, you know, degree लेनी है उसके बाद job करना है. And I believe you were little different. आप थोड़े different ही होंगे because it is it's something like कि मैं अपना ही story सुन रहा हूँ. So I just want to know from you that how was your thinking at that time? Right. If you've given me nostalgia here, the point is that, you know, my college days have been very unconventional, right? I mean, jab maine mera pehla, I was doing random things, yeah? Even in my school, I was doing, maine chalu kiya, I did photography just to make some bucks, I started doing that. Kuch bhi jo milta tha haath mein na, main na nahi bolta tha. Bola graphic design karwana hai, haan bhai, main karke deta hu, right? I was that kind of a guy. In my college days is when I started my first business. So my dad had a manufacturing setup of these CCTV cameras and all of that, right? So maine bola yaar chalo ek kaam karta hu, inse kharidta hu product aur bechta hu, right? He used to give me some credit, right? So I had zero investment which I put in. So maine ek choti si team banai, do char electrician logon ko pakda, wo leke I used to give that service ki with installation I'll give you like CCTV cameras and all of that, right? That was my first gig when I was in my 11th standard. वो एक दो साल वही चलाया, right? And my friends got to know about it कि I was doing a few things. और तब तो ऐसे ही होता है यार, अरे तू कमा ले रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है. No, everyone was just, वो बोलते हैं ना, बाप का पैसा उड़ाने वाले लोग थे मेरे दोस्त, मेरा friend circle एकदम ऐसा ही है. So I mean that was what you know started it off, right? I think that was a trigger in terms of doing real business. In the matter of probably 2 years, in my 11th and 12th, right, till the time I got to my HSC, right, I became the biggest distributor of my dad's company in Mumbai, and that's how you know it all started rolling off. So very unconventional to start off very small basis of credit which was given by my dad to sell across a product to starting my own company and going it through. उसके बाद आई वेंट इन टू NMIMS. सो NMIMS इज वन ऑफ द प्रीमियर बी स्कूल्स. आई गॉट इन टू NMIMS. आई वॉज रनिंग दैट थ्रू एंड दैट्स व्हेन आई ऑल्सो स्टार्टेड लुकिंग एट अदर ऑल्टरनेटिव्स ऑफ बिजनेस. माई जर्नी फ्रॉम दिस वन बिजनेस देन वेंट ऑन टू डूइंग मल्टीपल थिंग्स. सो देन आई स्टार्टेड लाइक माई फर्स्ट स्टार्टअप एज यू कैन कॉल इट, राइट, फ्लीच, which was a drone tech startup, probably one of the first in the country, wherein I got industrial grade drones and I served across higher level authorities here. So I mean that was also one thing. Tab bhi college mein aisa tha yaar, tu business chalata hai, kya baat kar raha hai, you know, you're doing college, you're doing business, and that was all it was going on, right? I mean I've been an apple of the eye in between my friends because you know I've been doing business and you know trying to study. Eventually then I chose across a path wherein, hey, do I really want to study yeah business karna hai? And you know what I chose, right? So, yeah. Like my next question would be like how you as you just said that you were into drone business and you were helping your father also, right, in his business, how you took out time to thought of doing something and of building Skyber, like Skyber ka idea kaise aaya aapke dimag mein? Got it. So I mean, very interesting as to what led me into Skyber. It's been essentially my journey as to how I started off, right? मैंने जब सबसे पहला चालू किया था, right? I started off I was on the other side of the spectrum as a small business owner myself, right? So I've seen that life. कि as a small business, what endpoints are we serving? तो पहले मैंने manufacturing और distribution के बारे में समझा. Then I used to go to China a lot. Understood more about logistics, trade platforms and stuff like that. Uske baad also between the time of me starting Sky after drone thing and between starting Skyber, right, I went into the technological world, understood more about technology, did some jugaad here and there, made a small team, ran across like tech projects, helped build like a payments product for some pretty huge bank here. So I mean that's when I understood ki more about ki yaar ek small business और टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल जो वर्ल्ड है दैट शुड हैव बीन टाइटली इंटीग्रेटेड, जो इंडिया में आज नहीं था, एंड दैट इज व्हाट लेड अस टू व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू एट Skyber. इट्स
thankfully, my journey and my career experiences, which have kind of shaped it across. And that's why I'm the product guy here, right? I mean, every product which is being made is something which is coming directly out of my head, because I relate to the problem statement myself. I have related to it over the last 6 years. And that's what, you know, I relate to even today. And that's what is kind of translated, you know, into what we're doing. Very interestingly, जब मैं कॉलेज में था, of course, नाम तो ऐसे ही सोचते हो ना, आप बैठ के डोमेन देख रहे होते हो, तो I was looking at something that, what is something which would be unlimited, like the sky, but yet connected like a fiber. And that's how we kind of, I led down to this name Skyber as to something which would be connected yet unlimited. And that's how we, you know, that's how the journey started. Great, that's great. And when you started, getting into Skyber, what are the things, like, I will take this question as a message to everyone who's listening out there. Like, what are the things you did first, right? Because obviously, aap business plan banate hain pehli cheez, but there is something like team. Ek team hoti hai, which is very important for any startup. Then funding, which is very important, and marketplace. Like, so how you identified all those things and accumulated it within your team of Skyber itself? My very honest answer to this, right? आप जब चालू करते हो ना, आपके पास कोई आइडिया नहीं होता है, right? You have just कि यार मेरा आइडिया ना सबसे सही है, राइट अब मैं चालू कर दूंगा, अब मैं बन गया बिलियनर, राइट? दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्ट्स, राइट? बट व्हेन आई, माय फर्स्ट थिंग वाज कि यार थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है ना अगर मुझे ये मार्केट का, मैं एक काम करता हूँ, मैं बस चले जाता हूँ. आई डोंट नो हाउ आई गेट टेक रेडी, आई डोंट नो हाउ टू पुल अक्रॉस अ टीम, आई डोंट नो एनीवन इन द इकोसिस्टम, राइट? आज मैं और आप मिले हैं, यू नो, वी हैव मेट थ्रू लिंक्डइन, आई हैव इंक्रीज्ड माय नेटवर्क टू बी एबल टू नो यू, राइट? सो आई मीन, to be very honest, जो ये जर्नी रही है ना यार, ये जो स्टार्ट ऑफ मैंने करा है, इट इज ऑलवेज, वो मतलब ऐसे ही चालू हो गया, राइट? आई मीन, इट वॉज द फर्स्ट थिंग वॉज कि कोई स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं था, खाली एक पीपीटी मैंने बनाई थी. दैट पीपीटी आई हैव इट इटसेल्फ फॉर मी, जो मैंने किसी को नहीं दिखाई. दैट पीपीटी इज ऑफ 200 पेजेस, राइट? आई मेड इट विद फुल डेकोरेशन, फुल एनिमेशन करके, द ओनली टू अंडरस्टैंड कि जो मेरे दिमाग में आइडिया है, लेट मी पुट इट डाउन ऑन अ पेपर. दैट्स द फर्स्ट स्टेप व्हिच आई डिड, राइट? आई पुट इट एवरीथिंग व्हिच आई हैड इन माय हेड डाउन ऑन अ पेपर, पुट इट इन अ प्रेजेंटेशन, एंड आई राइट अ लॉट, राइट? सो आई मीन, मैं आपको यहां पे दिखा दूंगा, मेरे पास इतनी सारी बुक्स है जिसमें मैंने सिर्फ Skyber का बिजनेस प्लान लिखा हुआ. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड ऑफ. देन इवेंचुअली अंडरस्टूड कि यार टेक में कैसे, यू नो, हाउ डू आई प्लेस अक्रॉस द राइट पीपल. देन आई टॉक टू पीपल, एंड फॉर मी इट वॉज कि कोई ये काम करेगा उस हिसाब से नहीं, यार ये बंदा अच्छा है और मुझसे मेरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट से रिलेट करेगा ना, तो ये बंदा मेरे टीम में होना चाहिए, राइट? सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड. लाइक आई हैड मेट धवल, हु इज काइंड ऑफ आवर को-फाउंडिंग मेंबर एज वेल, राइट? वी स्टार्टेड रिलेटिंग ऑन टू अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड देन ही केम ऑन बोर्ड. ऐसे करते करते, राइट, यू नो, वी गॉट द राइट फाउंडिंग मेंबर्स, समवन हु आई न्यू from my school days, someone who I knew from my college, right? I mean, that's how we kind of made across the right team, some very senior guy I knew across. So that's how we kind of related across and started building up. But the first thing which I did, honestly, was ki yaar bina kuch pata hue, I don't know, main seedha gaya, main pitch karna chalu kar diya logo ko, and maine apna idea sirf bahar rakh diya, right? I never knew, I had no format, बहुत गाली सुना यार, सब लोग ने ठुकरा भी दिया, इन्वेस्टर लोगों ने भी ना बोल दिया, बट दैट 6 months ऑफ मी जस्ट पुटिंग माई सेल्फ आउट, बीइंग रिजेक्टेड वॉज वॉट गेव मी ऑल द कॉन्टेक्स्ट व्हिच आई नीडेड, व्हिच आई एवर नीडेड टू अंडरस्टैंड दिस होल इकोसिस्टम एंड द लैंडस्केप, एंड दैट्स व्हाट आई एम थैंकफुल फॉर. सो दैट्स हाउ इट ऑल काइंड ऑफ स्टार्टेड. रीच आउट टू एनी वन यू कैन, राइट? जस्ट टॉक अबाउट योर आइडिया टू एनी वन यू कैन, right? Be it any angel investor, be it someone, be it a lala who might or might not even be interested in your business, but just start talking to people. And one very great way to leverage is LinkedIn, right? LinkedIn is one temple of you know, you finding the right people across, right? Make across a good small profile, right? And put in about your startup, start promoting it. Even if you are running it out of a small
किचन आउट ऑफ योर हाउस राइट पोर्ट्रेट इज की जैसे यार मैं तो यू नो आई एम दिस राइट एंड दैट्स व्हाट वी हैव डन टू बी ऑनेस्ट सो आई मीन दैट्स व्हाट यू हैव टू पोर्ट्रेट अक्रॉस गेट पीपल इंटरेस्टेड इनफ टू टॉक टू यू एंड रिप्लाई टू यू एंड जस्ट यार लिंक्डइन पे एक महीना ना प्रीमियम फ्री मिलता है तब सारे एंजल इन्वेस्टर्स को ना आप मैसेज कर दो सो दैट्स व्हाट आई हैव डन I've gotten some good response as well. Some have converted as well. So I mean, that's what you could kind of do, you know. There and it was really great to have Tanish on board. So thanks, Shinix. Again, I will wish Team Danda and I will, you know, end up this session out there with my notes itself. Okay. Thank you guys. Have a great day. Thank you so much. Thank you so much. And everyone who's out there, just download across our app. Do let me know how you know you guys feel about it. Thank you.